Hey guys, this is Frankly Sakshi. Welcome back to our YouTube channel. तो गाइस आज ब्रदर्स डे है और सिस्टर्स डे भी है, इतना सारा पॉज नहीं लिया जाता ना जब बोलते हैं। तो एडिटिंग नाम की भी कोई चीज होती है जिसमें कट करके उसको जोड़ा जा सकता है। तो ब्रदर्स डे और सिस्टर्स डे दो सेकंड में आ सकते हैं। हैप्पी सिस्टर्स डे, सेम हियर, हैप्पी सिस्टर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे, क्या हैप्पी क्या 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 बोल रहा है, इंडिपेंडेंस डे। बाय द वे गाइस 24 को ब्रदर्स डे था। हम लोगों ने एक दूसरे को विश नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे हमारी खतरनाक वाली लड़ाई थी, तो हम हाथ वात तो उठाते नहीं, आप सबको पता है, तो हम बात नहीं करते हैं एक दूसरे से। और उस टाइम पे हम बात कर भी देते क्योंकि ब्रदर्स डे इज मोर इम्पोर्टेंट बाय लड़ाई, पर हम लोगों को पता भी नहीं था, इसीलिए हमने एक दूसरे को विश नहीं किया। छतरी को देखो, इतनी उल्टी पुल्टी होने के बाद भी इसमें सिग्नल आ रहे हैं, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। मम्मी तुमने ही भर दिया, मैं तो ये पानी लेकर आई थी यार, फालतू ही लेकर आई, मैंने तो इसीलिए भरा के खाली हो ही तुम्हारी। तो गाइस ब्रदर सिस्टर्स डे और लड़ाई हो गया हो तो हम तीनों एक साथ आए हैं और ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। तो हम आए हैं यहाँ पर चैलेंज करने के लिए, वो कोई खाने से चैलेंज नहीं कर रहे हैं और मेंटली चैलेंज भी नहीं कर रहे हैं। हाँ गाइस, तो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे फिजिकली चैलेंज, यानी पुशअप्स चैलेंज करने वाले। हम लोग देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है पुशअप्स मार के। तो तीनों एक साथ पुशअप्स मारेंगे, तो मैं अपने आपको थोड़ा सा तैयार कर लूं और अपनी चोटी बांध लूं। मेरे को भी रबड़ दे दे यार, मेरे को भी, वो रखिए सामने, तेरे हाथ में भी तो है, दे दे। कहाँ है, तो रबड़ ही रबड़ है हर जगह। फाइनली फैशन शो चल रहा है या फिर पुशअप शो, सेंस भी होना चाहिए हर चीज का। अब बाल खुल के बिल्कुल तकलीफ रहूंगा आगे से। चले चलो, मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी लटे तो वैसे भी निकल रही है। दीदी तू कितना लगाएगी, 5 मेरे तो अभी से ही कमर तो करी। मैं तो 10 लगा के आऊंगी क्योंकि मैं सुबह रोज एक्सरसाइज करने जाती हूँ ना, इसीलिए। तो गाइस विन फॉर, तू कितने लगा सकता है, 2 कोशी, तू 100। मैं फिर 1000 लगाऊंगी कोशी, ना अगर 10 भी कंप्लीट कर लिया, मैं गाइस 1000 लगा के बताऊंगी, चाहे वो 10 घंटे हो, चाहे वो 12 घंटे हो, चाहे वो 24 के 24 घंटे हो, 10 ही लगाने हैं ना। हाँ 100 रुपए देगी। हाँ ठीक है चलो आ जाओ। 100 रुपए क्या दूंगी, मतलब कि मैं 200 लगाऊंगी। ठीक है आ जाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो अपनी बॉडी को, इससे ज्यादा स्टेबल नहीं कर सकती, आगे होना पड़ेगा ना। कैसे, हाथों को पीछे कर। और खुशी बेटा ऐसे 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 नहीं करना है। इनको ये करना है ऐसे। चलो या तोड़ ली, लगान दो, सब साथ में लगाएंगे तो क्या है, नहीं, पता नहीं चल पाएगा फिर कितना मोटिवेशन मिलेगा। भैया नहीं, मैं तुम लोगों को मोटिवेट करूंगा, तुम लगाओ। कोई बात नहीं, तू मोटिवेट मत कर, तू लगा, हम तो, मैं तुम दोनों को मोटिवेट करूंगी। मैं तुझे मोटिवेट कर, मैंने तो लगा लिए, कहां लगा लिए, अभी क्या था, कितने, 2 कहां से, एक भी नहीं, एक भी नहीं लगाया, उठना भी पड़ता है ना, सही है भैया, अरे करने दो, से मोटिवेशन मिलेगा। तो भैया अगर तूने एक शब्द भी रोका तो बस फिर तू गया, मोटिवेट में एक शब्द भी नहीं रोकते हैं, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। होगा होगा भैया, कौन तू करना, मेरे से क्यों करवा रही है, तीनों करेंगे साथ में आज, तीनों का दिन है, जल्दी जल्दी, तो तुमने आपस में कर भैया, कर भैया करके, मेरे से तो 4-5 लगवाई दिए बेटा, तो मुठ भी तो नहीं रही थी, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, वो उठने के लिए दमी नहीं लग रही यार। तो ये कौन सी बात है, ऐसे करो फिर फसल जाओ। मुझे लग गया एक पुशअप, फिर खड़े हो फिर फसल जाओ। नहीं तो पुशअप्स होते हैं, नहीं सही से गो कोशी जल्दी, 1 अरे करवा दे करवा जल्दी। दीदी तू तो सूर्य नमस्कार की स्टेप नंबर 6 कर रही है, 1 2 3 रुक जाओ, कोई नहीं कर पा रहा, कंपटीशन छोड़ो स्टार्टिंग नहीं हो रही। चलो किसी ने, अगर किसी ने 1 लगा दिया ना, अब तीनों में से कोई भी 1 लगा दे तो वो विनर है, सबसे बड़ा से शुरू होगा। चलो चलो भैया, भैया 1 लगा रहे सिंपल, ये एक शाबाश, तुम्हारा टर्न आ जाओ, नहीं देखो एक बड़ा हो गया फिर एक छोटा फिर बड़ा, चीटिंग नहीं, चलो नहीं, वे एक पुशअप लगाने में ऐसी हालत, गर्ल्स के जो पुशअप्स रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, तो बहन मैं 50-60 लगा दूंगी गर्ल्स के पुशअप, प्रॉपर लगाओ बॉयज वाले, फिर ज्यादा बोली, फिर ज्यादा बोली, मैं सच में लगा दूंगी ये, कमाल। चलो 1 2 ये मैं पूरे दिन भर लगाती रहूंगी, चलो ये वाला करो, लाज रखना भगवान, बोलो बजरंग वाली की जय, बोलो जय, लगा भैया 1 और लगा दिया तो मैं तुझे हरा दूंगी।
ज्यादा ऐसे बताऊंगी रात भर हाथ दुखेंगे। मैं इस गेम से आउट हूँ, आई एम आउट ऑफ द गेम। नहीं खुशी प्लीज यू कैन ट्राई। देखो या तो जीतो और ना खेलो ही मत। नहीं कोई बात नहीं, फिर खुशी के लिए ये वाला गाना नहीं बजना चाहिए। कमाल खुशी कौन सा गाना? हार गए पधार गए डंडा लेके भाग गए। अरे मैं झुक तो जाती हूँ उठ नहीं पाती। उसमें ही तो दम चाहिए रहती है। ये 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 एक गाइस आप सब बता दीजिए इस बिनर कौन है। गाइस भैया के एक्सप्रेशन देखने तो बनते हैं, बेचारे ने एक लगा दिया तो उसकी एक्सप्रेशन देखना है। ये देखिए एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जो इनकी थोंद जो निकल रही है इसको कम करके थोड़ा सा कंट्रोल करो। हेल्दी नहीं होता है, हेल्दी होता है ये भी नहीं है। मम्मी हेल्दी है मतलब मम्मी फिट है, मैं हेल्दी हूँ मतलब मैं फिट हूँ। इनसे गाइस मैं इतनी गंदी ब्लॉगिंग करती हूँ। फिलहाल आज की बिनर हूँ मैं। थैंक यू। ये बकरी मम्मी ने यहाँ पर मेरी बोलती बंद कर दी। कौन है बताओ है? कौन है विनर? डिंक चिका मैं हूँ। मैं बकरी तो साक्षी पचौरी है, फ्रेंकली साक्षी है ना खुशी। पसीना निकाल दिया पुशअप्स ने। तो गाइस देखो हमने इतनी ज्यादा तप्पन पड़ गई है ना, तो हमने पूरा हॉल जो है वो गीला किया था, पर हाल की हाल सूख गया। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोगों का प्लान बन रहा है कि हम हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि मम्मी के हैंड में पता नहीं हड्डी एक्स्ट्रा बढ़ गई है, हाथ की लेफ्ट है कि राइट है पता नहीं, आई थिंक लेफ्ट ही है, तो वो हड्डी बढ़ गई है। तो हमारा सडनली प्लान बन ही गया कि हम उसको चेक करवा लेते, टेंशन सा रहता है कि मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो जो हम सोच रहे हैं उससे। तो फिलहाल हम लोगों का सडनली प्लान बन गया कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और वहाँ से आने के बाद आज ब्रदर्स डे स्पेशल है तो कुछ ना कुछ तो बनता है। तो हम लोगों ने तीनों ने सोचा है कि हम जाएंगे मेला। मेले में जाकर मैं और खुशी हम दोनों के पैसों से भैया के लिए जो भैया बोलेगा टी शर्ट कपड़े जो भी बोलेगा वो उसको सब दिलाएंगे, क्योंकि आज भैया का दिन है ना इसीलिए। और हम लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा शूट नहीं करेंगे क्योंकि क्या बताया। A few minutes later. तो गाइस वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला है वाटर स्टोन है, तो उस चक्कर में वो बहुत ज्यादा डर गई थी, मैंने डॉक्टर की पूरी बात भी नहीं सुनी और भैया खुशी सबको कॉल करके बता दिया वाटर स्टोन है, तो उस चक्कर में घर में भी सब डर गए थे। सोमवार को निकलनी है, सोमवार को निकलवा लो। लीडर दे दिया उसने, अभी देख लेते हैं तो मैं आना है तो आ जाओ, वरना मैं तो निकलवा ही लेती हूँ। पर इतनी कुछ डरने वाली बात नहीं थी, और डॉक्टर ने कुछ इंजेक्ट किया था जिससे कि प्रॉब्लम नॉर्मली सॉल्व हो, पर उनको थोड़े दिनों के लिए काम करने के लिए मना किया है। सब अच्छे से हो गया है, हम हॉस्पिटल से आ गए हैं, मम्मी खुशी भैया तीनों इसी रूम में रेस्ट कर रहे हैं सब लोग, और मैं नहाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल से रहने सबसे अच्छा नहीं लग रहा है। टेंशन खत्म हो गई कि सब सही हो गया। हमने उनको नारियल पानी दे दिया जिससे ज़्यादा वीकनेस नहीं हो। चलो गाइस मैं नहाने के बाद मिलती हूँ, बिकॉज अभी थोड़ा सा थक गए हैं, तो जब तक नहाऊंगी नहीं तब तक मेरे अंदर थकान रहेगी, तो नहाने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस आज खाने में है दाल रोटी और रायता। ज्योति उधर छुट्टियां कर रही है पहले। दीदी तू भैया की मत कर, मम्मी की कर दे, वो कह रही है ठीक है खुशी करेगी आज छुट्टी। चलो बहन मेरे पे अपनी छुट्टियां तो होती नहीं, आज तक मैंने अपनी गो के नहीं करी, मम्मी की क्या करूंगी। अपन दोनों तभी तो बहने हाथ मिला, पूजा भी करनी है आज, समझ गए आज नहीं पिछले कुछ दिनों तक हम कोई सारा काम करना है। तो तुझे भी पिछले और अगले में कंफ्यूजन रहता है दीदी। अगले बोलना चाहिए था तुझे, अगले कुछ दिनों तक हमें करना है। अच्छा तो अगले कुछ दिनों तक हमें करना है, वैसे कुछ भी कहो मम्मी की छुट्टियां करने का सौभाग्य, पूजा करने का सौभाग्य कभी कभी मिलता है, तो कभी कभी कर लेना चाहिए। मम्मी छुट्टी कैसी करी है? अरे नहीं बाल लंबे नहीं होंगे। मम्मी की जगह तू कैसे बताने वाली बात है, कहीं भी तोता पाले बैठी है। हाँ और मैं ना पाले बैठी हूँ। ओट्स ज्यादा डाल दिए, पानी कम डाल दिया। तो वैसे आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है इसीलिए मैं ओट्स खा लिए। खुशी ने बनाए थे आज। थैंक यू। मरीजों वाले नहीं, बहुत गंदे। अभी मैं कहूँ तो साथ में रायता क्यों लिया। A few minutes later. सच में क्या मस्त नींद आई गई इस खाना खाने के बाद,
ऐसे सोए कि मेरा अभी तक सोने मतलब उठने का मन नहीं कर रहा है। सोते रहो, जागते रहो। हाँ वही तो सब बोलते हैं, जागते रहो। मैं बोल रही हूँ सोते रहो। ये बेटी है हमारी माता श्री। हाँ ये ये सभी की शक्ल बता रही है। सब बहुत ज्यादा थक गए। जब मम्मी बीमार होती है तब सारा जो लोड होता है वो हम दोनों पर आता था, लेकिन अभी हम तीनों पे आ रहा है। बर्तन घिसे हैं इतने कि ऐसा लग रहा है किसी बॉय के हाथ है मेरे। नहीं बर्तन घिसे हैं वो ठीक है, वो तो पहले भी कभी कभी घिस लेते थे। कपड़े भी धोने पड़ेंगे अब तो। एक प्रकार का दुख है ये। प्रयास तो हो सकता है ना। नहीं प्रयास ये हो रहा है क्वेश्चन का आंसर दूं या फिर उस बेइज्जती का आंसर दूं, पर वो क्या है ना इतनी बुरी बेइज्जती करता है कि देने का भी मन नहीं करता है। अरे अरे रुको, हॉस्पिटल वाली बात तो बता भैया। अरे वो वाली चलो मम्मी बताएंगी गाइस ये हॉस्पिटल वाली बात। नहीं चौथी अच्छी लग रही है तो एक एंगल भी अच्छा आ रहा है। देखो एक्चुअली क्या है ना अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। अभी मैं अच्छी लग रही हूँ तो बताए क्या हुआ। हमको लगा ऐसा शक था कि वो जो थी वो वाटर स्टोन हो गया था, ऐसा हम लोगों को लग रहा था। पर वो क्या है ना वो कुछ और ही था, वो पता नहीं क्या था उसको, क्या बोलते हैं हाथ में प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमको क्या लगा कि वो चीरा लगने वाला है, चीरा मतलब कट लगने वाला है। उस टाइम पे हमने ये नोटिस नहीं किया कि मम्मी के हाथ में कलावा भी था, तो कंगन थे तो कंगन तो उनने उतार के रख दिए थे, लेकिन जो कलावा था वो काटने के लिए वो छोटा सा चक्कू, जिसको देख के हम तीनों की मम्मी की तो हालत टाइट हो गई, उनकी बहुत बुरी स्थिति, लेकिन भैया और मेरी ऐसे 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 कपराए हम बुरी तरीके से। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि वो मम्मी की वो हाँ मतलब कट लगाने के लिए लिया है, जो भी प्रक्रिया होती है वो करेंगे। पर हमको क्या पता था कि स्टार्टिंग में ये हमारा बड़ा वाला पोपट होने वाला है। बस आगे का गाइस भैया एक्सप्लेन करेगा। उससे कलावा को काट मैंने थोड़ा बहुत शूट तो किया है, फिर भी मम्मी ऐसी मतलब हिम्मत बता रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं होता है। और अगर बाई चांस किसी गलती से भी अगर ये मेरे तेरे या फिर भैया के हो जाता, मम्मी कहती कुछ नहीं है कुछ नहीं है, और खुद का रोना खुद, खुद का देख ले तू। मम्मी बड़ी चतुर खोपड़ी है, उसमें ये काटा पीटी नहीं करते डॉक्टर कभी। नहीं नहीं तभी तो मैं बहरा गई एकदम, चक्कू कैसे उठा हुआ है, अब तो केवल हाथ बचा है, मुझे बचाया मैंने ये बात तो सही है कि जब वो उन डॉक्टर ने चक्कू उठाया ना, हालांकि उनने वो कलावा काटने के लिए उठाया, पर जिस तरीके से हमारे उस टाइम पे रिएक्शन थे ना बहुत डरे हुए। सच में लगा कि वो सच में उस टाइम पे तुम लोगों को हंसी आई होगी इस चीज पे। नहीं आई थी, बाद में आई थी जब हमें पता चला था वो कलावा का। अरे पार तब तो सकल के 12 बज गए थे सबके। मैं तो मम्मी के पास खड़ी नहीं हुई, मैं बाहर चली गई, मैं स्कूटी पे जाके बैठ जाती। उस वक्त तो हमने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जो बाद में सोचा ना तब हंसी आ रही थी कि मतलब कि जब टेंशन में रहता है तो दिमाग क्या से क्या सोच लेता है। गुड नाइट काम के चक्कर में लोड़ो पर गो आज सो के उठे वापस सो रहे। गुड नाइट गाइस।